जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें धांधली, जो भाषा अर्हता को लेके हुआ, भाषा उसको शून्य कर दिया गया और बीपीएससी तैयारी 1.0 का लगातार बिहार में धरना प्रदर्शन कर चल रहा है। और बीपीएससी द्वारा जो कमाई की गई 8 लाख शिक्षकों से, जो 8 लाख आवेदक थे उनसे जो कमाई की गई उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और कोर्ट में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है उसके बारे में पूरा इस पर बात रखेंगे कि ताकि आप लोगों को सही से पूरा प्रक्रिया के बारे में पता चल सके। तो दोस्त आपको बता दें, बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 में बम्पर भर्ती हुई थी और जिसको कि देखा गया था कि प्रथम फेज में जो भर्ती हुई थी 1,70,000 भर्ती कराई गई थी और दूसरे वाले फेज में जो भर्ती हुई थी उसमें 1,21,000 भर्ती कराई गई थी। जो सेकेंड फेज था उसके बारे में बाद में बात करते हैं, प्रथम फेज की बात करते हैं कि प्रथम फेज में लगातार जो शिक्षक है वो फरार चल रहे हैं और अपने स्थान पर दूसरे लोगों को बैठा के पेपर दिलाए थे, इसकी पकड़ अब लगातार शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा लगातार इसकी अंगूठे की मैचिंग व डॉक्यूमेंट्स चेकिंग कर रही है, जिसके दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फर्जी व्यक्ति, फर्जी शिक्षक प्राप्त हो रहे हैं जो कि अपने जगह पर दूसरे लोगों को बैठा के पेपर दिए थे और उनकी गवाहियां आप एकदम साफ देख लीजिए कि वो स्वयं गवाही दे रहे हैं कि नहीं, वो उन्होंने किस प्रकार से यहां फर्जी किया है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इन्होंने अपने आप ये बताया कि किसके आधार से इन्होंने पेपर दिया, उसके बाद उस व्यक्ति को भी पकड़ा गया जो व्यक्ति इन लोगों से पैसे लेके पेपर दिया था। अब ये बताइए, ये लोग बोल रहे हैं मेरा रिश्तेदार है, कोई बोल रहा है मेरा दोस्त है, तो ठीक है तुम्हारा रिश्तेदार हो चाहे तुम्हारा दोस्त हो, क्या तुम्हारे स्थान पर पेपर बैठ के देने का उसको अधिकार है? जब नहीं है और लगातार इतने पकड़े गए और लगातार बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो फरार चल रहे हैं, तो इस भर्ती प्रक्रिया को नीतीश सर द्वारा क्यों नहीं पूर्णतः रद्द कर दिया गया? भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस पे आवाज उठाया गया और बिहार के मोदी सर द्वारा भी आवाज उठाया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अधिक धांधली हुआ। तो क्या केंद्र सरकार अभी भी इस पे सीबीआई जांच बैठाएगी कि नहीं? और सीबीआई जांच नहीं बैठाएगी तो उसका तथ्य क्या है? अगर 2024 चुनाव किसी को भी जीतना है तो इसपे या तो नीतीश सर स्वयं जांच बैठा के इस भर्ती प्रक्रिया को दोनों को पूर्णतः रद्द कर दे, नहीं तो इस पे केंद्र सरकार सीबीआई जांच बैठा के अपना वोट अपने पक्ष में कर सकती है। बिहार का ये सारा चीज उनके पास है और लगातार धरना प्रदर्शन 1.0 का लोग रोड शो भी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन पे भी बैठ रहे हैं और जब तक ये जारी रहेगा, जब तक कि आप सही रिजल्ट जारी नहीं कर देंगे। इसके अलावा भाषा अर्हता को लेके हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो भी कोर्ट पहुंचे हुए हैं और इस पे सबसे पहले भर्ती पर रोक लगाने की बात अगले डेट पे रखी जाएगी। जब अगला डेट मिला है उसकी आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, जब अगला डेट मिलेगा, मिला हुआ है उस पे इसकी सबसे पहले इस भर्ती पर रोक लगाने की प्रक्रिया के बारे में वहां पे रखा जाएगा कि ताकि इस भर्ती प्रक्रिया पर तब तक रोक लगा दिया जाए जो कि विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट इसको जारी नहीं किया गया था। विज्ञापन के आधार पर भाषा अर्हता में 30% नंबर लाना जरूरी है और पासिंग मार्क होना अति आवश्यक है, तभी आपका विषय की कॉपी जांची जाएगी, अन्यथा नहीं। जब भाषा में ही फेल हो गया तो उसके बाद उसकी विषय की कॉपी क्यों जांची गई, ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये है, जब वो भाषा में फेल हो गया तो उसका रिजल्ट क्यों जारी किया गया, ये दूसरा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है, उनको सीट दे देना ये कहाँ का न्याय है? बिहार में ये बहुत अधिक अत्याचार हुआ है और बिहार में इसकी जाँच विधिवत होना चाहिए और इस भर्ती प्रक्रिया को, दोनों भर्ती प्रक्रियाएं धांधली के स्वरूप हुई है और बिहार सरकार को अगर इसमें सचेत नहीं होती है तो पूरे बिहार के युवाओं को जगना होगा, घर घर जाके प्रचार करना होगा कि 2024 में कोई भी नीतीश सरकार को इसके बाद सत्ता में न लाए, नहीं तो क्या पता कि और कितने भ्रष्टाचार होंगे। भर्तियां निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब भर्तियां निकाल के ही ऊपर अपराध के प्रवित्र से उस भर्तियों को भर्ती करा लिया जाए, उसमें अवैध लोग भर्ती हो जाए, तो आप बिहार के चाहे पूरे अन्य जगहों के लिए आप भलाई नहीं कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं और उसके युवाओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो युवा, आप ये सोचिए, इंपॉर्टेंट है, कार्रवाई होना अति आवश्यक है। इतनी बड़ी बातें आपको आज भी जो मैं लेके आ रहा हूं, मेरे चैनल में उठा के देख लीजिए, अदर चैनल में उठा के देख लीजिए, ये सारी बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि बीपीएससी तैयारी 2.0 में जो आवेदन करने की संख्या बताई गई थी वो 8 लाख बताई गई थी और बीपीएससी तैयारी
2.0 में अगर हम मान लें जनरल ओबीसी और अदर स्टेट को कि वो 5 लाख आवेदन किए होंगे तो 750 रुपये वहाँ फीस थी, तो उसके अनुसार 37.50 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 में एससी एसटी और पीएच का 200 रुपए फीस रखा गया, और मान लिया जाए कि अगर उनकी संख्या 3 लाख रही होगी तो 6 करोड़ रुपए यहां पे सरकार को मिला, जो कि ये पैसे रखने के लिए नहीं मिले थे, और ये पैसे उसी लिए मिले हैं कि आप साफ और स्वच्छ भर्ती कराएं, और साफ और स्वच्छ भर्ती के नाम पे आपने धांधलियों के भरमार जारी कर दिया। और उन शिक्षकों का क्या होगा जिन्होंने 750 रुपए और 200 रुपए कहां से लाए होंगे, जिनका रोजगार नहीं है। इसके बारे में सोचा जाए, इसके बारे में विचार किया जाए कि इनके साथ कितनी बड़ी धोखेबाजी और धांधली हो गई है कि जिनको आज शिक्षा देना चाहिए वो रोड पे हैं, और जिनको अशिक्षित है जिनको घर पे रहना चाहिए आज बिहार राज्य में जाके शिक्षा दे रहे हैं। इतनी बड़ी धांधली आज तक पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में नहीं देखा गया था, और ये बिहार राज्य में देखा जा रहा है। यानी इसका जांच होना अति आवश्यक है। यदि आप संशोधित रिजल्ट जो जारी किए थे, यदि आपके पास सीट नहीं रहा होता तो ये नया संशोधित रिजल्ट क्या है? अगर आपने रिजल्ट सही तरीके से जारी किया होता तो आपको संशोधित रिजल्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। और आपने कहा था कि गलतीवश ये लोग मेरिट में ऊपर हैं लेकिन गलतीवश छूट गए थे, तो श्रीमान ये बताइए ये गलतियां तो कोई शिक्षक जाके किया नहीं था, आपके आयोग के बैठे हुए अधिकारी द्वारा ही हुआ, तो क्या उनकी कॉपी जांच करने में जो त्रुटि हुई क्या उनको उसका सजा दी है, क्या पब्लिसिटी उसको बताए कि हाँ ये अवैध लोग थे और इसकी पुनः कॉपी जांच हो? ये सबसे अधिक आपको घेरने का सब्जेक्ट है कि आपने जल्दबाजी में रिजल्ट को सही तरीके से न जारी करके हजारों युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ किया। इसके अलावा जो भी संशोधित रिजल्ट में आपने जो गलत किया है ये आप याद रखिएगा कि इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। भाषा अर्हता लागू करने वास्ते अधिक शिकायत पत्र दायर किया गया था जो 3 तारीख से और 13 तारीख का पोर्टल खुला हुआ था, उसमें इन लोगों ने धमकी भी दिया था कि भाई अगर आपके ऊपर परमानेंट पेपर से बैन लगा दिया जाएगा अगर आपका शिकायत गलत हुआ तो। शिकायत करने में ये कैसा बैन कैसा क्या होना चाहिए ये तो ये पूरी तरीके से मेरे को नागवार गुजरा। उसके बावजूद भी सबसे अधिक अगर जो शिकायत हुई है तो भाषा अर्हता को लेके हुई है। अभी तक इस पे किसी ने कोई अपना मुंह नहीं खोला है, और भाषा अर्हता पे आपने जब शिकायत मांगा था तो सबसे अधिक भाषा अर्हता पे शिकायत हुआ है, तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और नीतीश सर इस पोर्टल की जांच आप क्यों नहीं कर रहे कि सबसे अधिक शिकायत भाषा अर्हता पे जो हुई है तो इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः भाषा अर्हता के नाम पे लागू किया जाए। सबसे अधिक दुख उस दिन हुआ 13 तारीख को जब पटना गांधी मैदान में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उन अवैध लोगों को, मैं कहूंगा अवैध इसलिए कहूंगा क्योंकि उनके द्वारा जब आपके राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का उसके बाद बीपीएससी के मेन चेयरमैन का नाम नहीं पता है, मेन अध्यक्ष का नाम नहीं पता है, मेन शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं पता है, तो आप किसके आधार पे आप भर्ती हो गए? इनकी ये वही टीचर हैं जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से अवैधता करके इसमें भर्ती हुए, चाहे कोई भी सोर्स हो, किसी न किसी सोर्स के माध्यम से ये भर्ती हुए। इसकी तो जांच तो 100% होनी चाहिए। और बार बार वीडियो और यूट्यूब का माध्यम यही होता है कि जन जन को जागृत करना, और वीडियो और इसलिए बनाया जाता है कि जब जन जन जागृत होगा तो इसकी आवाज अधिक उठेगा, अधिक लोग शेयर करेंगे तो इसकी आवाज आगे तक जाएगा, प्रधानमंत्री तक जाएगा और इसमें जांच होगी 100%। जिस दिन इसकी जांच की बात प्रधानमंत्री तक गया तो उस पर 100% जांच होगी। अब याद रखिएगा ये काम करना है, आपका काम है कि अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए। जितना अधिक लाइक होगा, जितना अधिक शेयर होगा, जितना अधिक कमेंट्स होगा, उतना ही आपका वीडियो आगे जाएगा और उतना ही इस पर कार्रवाई होगी। सबसे ये एकदम साफ है, आपको हम 100% बता रहे हैं कि मैंने 10 तारीख 26 तारीख को आपको डेट दिया था, याद रखिएगा। उस दिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कोई सुनेगा, हमें पता है बिहार राज्य में आपसे भी अच्छे पप्पू भैया है और उनके साथ सारी दुनिया को मैं खड़ा कर दूंगा और दिखा दूंगा कि बिहार राज्य में
जो शिक्षक चाहते हैं उसी की सत्ता चलेगी, बेईमानों का सत्ता हम नहीं चलने देंगे। अगर बेईमानी जो करेगा उसका सत्ता नहीं चलने देंगे। मैं किसी सरकार को बेईमान नहीं कर रहा हूं, मैं उसका उसको बेईमान कर रहा हूं जो कि बिहार के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब, अगर आपको अभी भी जगना है तो जगिए और देखिए कि हमारे बिहार के युवा, चाहे अदर स्टेट के युवाओं के साथ जो जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर जांच बैठे और जो सही और सापेक्ष है उनकी भर्ती हो। जब आपने बीपीएससी अतुल प्रसाद साहब आके डायरेक्ट एक कॉन्फ्रेंसिंग में कहते हैं कि मैं क्यों भाषा अर्हता को जीरो कर दिया हूं, इसके बारे में हमारे जो युवा हैं वो नहीं समझ पा रहे। अब भाषा अर्हता को जीरो करके हमें समझाने चले हैं, वो बिहार के युवाओं को समझाने चले हैं जो भाषा अर्हता में पास है। भले 41 नंबर पे 40 नंबर पे रिजल्ट बनता, लेकिन आपने क्यों नहीं बनाया? 41 नंबर पे भी रिजल्ट बनेगा तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग मंजूर करेंगे, क्योंकि वो भी एक शिक्षक, योग्य शिक्षक है जिसने 40 नंबर प्राप्त किया है। लेकिन आपने गलत तरीके से रिजल्ट जारी करके बिहार के हर एक युवा, हर एक नए बच्चों के माँ बाप के साथ खिलवाड़ किया है, हर एक रिश्तेदार के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपने बच्चे को 750 रुपए किस मेहनत से ला के दिया होगा इस महंगाई के जमाने में। तो हर एक माँ बाप से, हर एक गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि अगर इन लोगों ने 26 तारीख तक कार्रवाई करके नया संशोधित रिजल्ट नहीं जारी करेगा तो मेरा यही से ऐलान है कि मैं 100% ऐसे नेता के बारे में आगे हम लोग आएंगे और इनको सत्ता से अगली बार बेदखल करने का कार्य सबसे पहले स्टार्ट होगा तो मेरे चैनल से स्टार्ट होगा। क्योंकि जिसने अवैधता का काम किया है वो मंजूर नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं सरकार इसको निर्दोष है, लेकिन सरकार को जगना होगा। अगर सरकार नहीं जगेगी तो हम लोग सरकार को जगाने का पूरा